हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो है कुछ चेंजेस आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी मौजूद हो आपकी लाइफ में, और हो सकता है उनकी फैमिली हो, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे माफ कर देना। जब तक वो रहेंगे तब तक मैं उनके साथ रहूंगा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद, तब उसके बाद में जो है वो आगे की साइकिल को आपके साथ शुरू करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि मुझे यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र का भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को पता चला हो कि यहाँ पर किसी ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस कि उनको ये एहसास हो रहा है, और यहाँ पर एंजल्स उनको कुछ गाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, कि आपको बताना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, इसलिए जो है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अच्छा खाना खाइए। ठीक है, आपको दो दो जगह पर आए हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सैलेड वगैरह लेनी चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। वो आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, सेल्फ लव करना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट में, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आपके पर्सन को आपकी कीमत तो समझ में आ रही है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन दिखते हैं, आप बहुत ही अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं। लेकिन किसी कारणवश जो है आपकी लाइफ में ये पेनफुल साइकिल चल रही थी, उसकी एंड तभी होगी जब उनके लाइफ से थर्ड पार्टी आउट होगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी तभी जो है एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।